आसनसोल नगर निगम के दो उपमेयर अभिजीत घटक एवं वसीम उल हक को आखिरकार मिली राज्यपाल की स्वीकृति। आसनसोल नगर निगम चुनाव में जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मेयर एवं दो उपमेयर की नामों की घोषणा की थी। राज्य सरकार द्वारा नगर निगम कानून में किए गए संशोधन के बाद राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। आसनसोल नगर निगम में बने दो उपमेयर की पोस्ट की राज्य के संवैधानिक प्रधान राज्यपाल की स्वीकृति मिल चुकी है, यानी अब आधिकारिक तौर पर आसनसोल नगर निगम के उपमेयर बने अभिजीत घटक एवं वसीम उल हक। आसनसोल नगर निगम के चुनाव में भारी जीत के बाद राज्य की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मेयर के पद पर विधान उपाध्याय एवं दो डिप्टी मेयर अभिजीत घटक एवं वसीम उल हक की नाम की घोषणा की थी। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने बिना चुनाव लड़े विधान उपाध्याय को मेयर बनाए जाने की घोषणा और आसनसोल में एक की जगह दो डिप्टी मेयर बनाकर सभी को चौंका दिया था। हालांकि विधान उपाध्याय ने बाद में जामुड़िया के 6 नंबर वार्ड से चुनाव जीता। दो डिप्टी मेयर बनाए जाने के लिए राज्य सरकार ने नगर निगम के कानून में संशोधन भी किया। संशोधन की कॉपी स्वीकृति के लिए पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ के पास भेजा था। लगभग 9 महीने बाद संशोधन को राज्यपाल की स्वीकृति मिली। यह स्वीकृति पश्चिम बंगाल के कार्यवाहक राज्यपाल लाल गणेशन ने दी। इस साल की शुरुआत में हुए आसनसोल नगर निगम के चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने 106 में से 91 वार्डों में जीत दर्ज की थी। मेयर नियुक्त होने के बाद विधान उपाध्याय ने 6 महीने के भीतर हुए उपचुनाव में पार्षद के तौर पर जीत दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। I am Dr. Radha Krishna. I am a gastroenterologist and a liver specialist. So I do visit Durgapur once a month. I stay here for 2 days. So we do different types of procedures pertaining to gastroenterology and liver. So we have a range of evaluations that we do here. We do the routine endoscopy, colonoscopy. Starting from there, we have advanced technologies like nasal endoscopy, liver fibroscan, capsule endoscopy.